हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक अगेन टू द लाइव सेशन। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लाइव सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है अबाउट द सी अर्चिन। सी अर्चिन जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं इन द यूनिट ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेव बायो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जो बीते हुए सालों में जिस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जामिनेशन में। तो इससे संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे हम कौन कौन से सवाल इसमें आप खुद से बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मेरी आवाज़ सभी को क्लियरली आ रही होगी। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, शुरू करने से पहले आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ। आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर अंडर द कैटेगरी ऑफ सी एस आई आर जे आर एफ नेट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस के सब्जेक्ट में आई एम एन एजुकेटर हियर। तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट ऑल यूनिट्स कवर करता हूँ। ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स मैं यहाँ पे कवर करता हूँ। बट किसी भी एक पर्टिकुलर सेशन में मैं कुछ ही यूनिट ले पाता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ आपसे तो इसमें जो मैंने यूनिट्स कवर करी हैं, जो आपका जून का है, जून 2021 वाले, या आप दिसंबर भी कह सकते हो क्योंकि क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी दिसंबर 2020 में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जनवरी 2021 में कवर किया है, डेव बायो और इकोलॉजी है फरवरी 2021 में कवर किया है ये। और इसके बाद जो अभी चल रहा है ऑन गोइंग, तो अभी है ऑन गोइंग कोर्स जो अभी चल रहा है वो है आपका मेथड्स इन बायोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों कोर्स अभी चल रहे हैं जो मार्च 2021 के हैं, ठीक है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद दूसरा आएगा जो अप्रैल में आएगा, अप्रैल 2021 में, रैपिड रिवीजन कोर्स। तो मैं रिवीजन करवाऊंगा उसमें कुछ जो अब तक मैंने लिया है उसका एक रैपिड रिवीजन होगा। देन मई के महीने में आएंगे और नए ब्रैंड न्यू टॉपिक्स डेव बायो के, ठीक है। तो ये सब है अब तक का। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं मेरे ग्रुप में, तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसका नाम है मोहम्मद सलमान अन अकेडमी। तो दिस इज़ माय टेलीग्राम ग्रुप। ऑलराइट, तो आप इस पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरी क्लासेज होंगी उनका जो लिंक है वो आप तक पहुँच जाएगा। जो भी मेरी आने वाली क्लासेज हैं अपडेट मिल जाएगा आपको रिगार्डिंग द CSIR एग्ज़ाम और क्लासेज अन अकेडमी पे। और कोई भी इंफॉर्मेशन है ज़रूरी जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, वो सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा आप मुझे मेरी प्रोफाइल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप ये जो क्लास आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे लिंक होगा अन अकेडमी की क्लास, अन अकेडमी की प्रोफाइल का मेरा। आप वहाँ पे जाइए, उसको क्लिक करिए और वहाँ पे आप जाके उसको फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने से बेनिफिट ये होगा जो मेरी आने वाली क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, अनअकैडमी जो वेबसाइट है प्लेटफॉर्म पे जो क्लास होती हैं उनका लिंक आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले लिंक आ जाएगा ताकि आप क्लास देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल है, मैं चाहूँगा आप लोगों से कि इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। एंड हेलो नाइट्रो, पूर्णिमा गुप्ता जी, गुड आफ्टरनून, बिस्मा यूसुफ, वालेकुम अस्सलाम, तो आंसर बताइए जरा क्या होगा। सॉरी,
गुड आफ्टरनून मुस्कान जी, गुड आफ्टरनून, सॉरी। ओके, तो आंसर चलिए हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़े स्टूडेंट्स कम हैं। देखिए सवाल कहता है कि दो कंपाउंड है, एक का नाम है NAADP, ठीक है, एक का नाम है NAADP, फुल फॉर्म है निकोटिनिक एसिड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। दूसरे का नाम है NADP, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दोनों कंपाउंड लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बट इनमें छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताना है, क्योंकि ये सी अर्चिन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पर ये मॉलिक्यूल आता है। तो इसका आंसर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो NAADP है उसमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जो NAADP होगा मॉलिक्यूल, इसमें किसी खास जगह पे लगा होगा OH, और जो NADP होगा उस पे लगा होगा OH की जगह पे NH2, बाकी सब कुछ सेम है। तो दिस इज द आंसर विच इज द थर्ड आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NADP एंड NAADP बोथ आर सेम, बट द डिफरेंस ओनली लाइज इन द ग्रुप्स। सो हियर यू कैन सी द NH ग्रुप, NH2 अमीनो ग्रुप, एंड हियर इज द OH ग्रुप, O नेगेटिव या OH, फाइन। तो ये सी अर्चिन के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे पिक्चर में आता है आपका NAADP, ठीक है, उसका रोल आता है, इसके बारे में डिस्कशन मैंने किया है पहले भी। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सॉरी। तो पिछले सवाल का आंसर दिया था पूर्णिमा गुप्ता जी ने, 3 बताया था, बिस्मा यूसुफ ने 3 बताया था, विच इज करेक्ट। ओके, अभी तक आंसर मुझे नहीं दिखा है कोई। फाइन, यहां पे आंसर आया है पूर्णिमा गुप्ता बताते हैं 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कनीस फातिमा का कहना है 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फाइन। उसके बाद है मुस्कान अरोड़ा, इनका कहना है 4 आंसर होना चाहिए। ओके मुस्कान जी, फाइन, एनी अदर ऑप्शन? ओके, चलिए लेट अस डिस्कस, वी विल सी। देखिए सवाल आपका बहुत आसान है, ये कहता है इन द केस ऑफ सी अर्चिन के केस में सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इन द सराउंडिंग, जैसे एग है, ये एग है सी अर्चिन का, और बाहर है सोडियम आयन, तो सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो क्या होनी चाहिए पॉलीस्पर्मी से, इसका क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, क्या डायरेक्टली होना चाहिए, क्या इक्वल होना चाहिए? तो इसका आंसर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पॉलीस्पर्मी कम होगी, अगर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी तो पॉलीस्पर्मी बढ़ेगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो आंसर है 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। कैसे देखते हैं, देखिए होता क्या है कि ये एग है, दिस इज द एग। अब एक टर्म आती से कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होता है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है तो उससे सोडियम आयन जो है उनके चैनल ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है अंदर आने लगता है। जब सोडियम अंदर आने लगता है एग में तो एग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एग पर पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है, और अगर एग पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ट अप हो जाएगा
तो बाकी के जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, अदर स्पर्म कैन नॉट फर्टिलाइज अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है एग अंदर से। तो पॉजिटिवली चार्ज कब होगा वो, अगर बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ही सोडियम अंदर आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा सोडियम बाहर होगा उतना ज़्यादा वो अंदर आएगा और उतनी ज़्यादा वो पॉलीस्पर्मी को रोकेगा। बट अगर मैं बाहर से सोडियम आयन को कम कर दूं तो वो अंदर भी नहीं आ पाएगा एग में, एग के अंदर नहीं आ पाएगा तो क्या क्या नहीं हो पाएगा, आपका चार्ज में चेंज नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दी गई है, 490 सोडियम है तो पॉलीस्पर्मिक की परसेंटेज है 22, सोडियम आयन के 360 हो गए तो पॉलीस्पर्मी बढ़ गई 26 हो गई, सोडियम आयन 120 हो गए पॉलीस्पर्मी इंक्रीज कर गई 97 हो गई, सोडियम आयन 50 हो गए और 100 पहुंच गई पॉलीस्पर्मी। तो इनवर्सली रिलेटेड है दोनों, ये गिलबर्ट के अंदर मेंशनड है क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं दोस्तों वो गिलबर्ट से आते हैं। अब तक तो गिलबर्ट से ही आते हैं 95% अब तक तो आते हैं, कल का नहीं पता बट मेजॉरिटी में गिलबर्ट से सवाल आते हैं। ओके, सो यहाँ पर आंसर आया है 3, पूर्णिमा गुप्ता बताते हैं 3 ऑप्शन, सॉरी प्रिया सिंह जी का कहना है 3 सही है, व्हेन द कंटेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाइंड टू द वाइटल एंड एनवलप। मुस्कान जी का कहना है 3, तो अभी तक 3 वाले हैं यहाँ पर। ओके देखते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन हमारे पास आ जाए अच्छा सा। ओके फाइन, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सवाल काफी आसान है आपका। सवाल कहता है इन द केस ऑफ सी अर्चिन, सी अर्चिन के डेवलपमेंटल बायोलॉजी के केस में एक एक फॉर्मेशन होती है एक स्ट्रक्चर की जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन एनवलप। फर्टिलाइजेशन एनवलप ये कब बनता है, तो फर्टिलाइजेशन एनवलप में होता क्या है, आपका जो एग है एग के अंदर की तरफ कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं 15,000 से भी ज़्यादा, ग्रेटर देन 15,000, 15,000 से भी ज़्यादा कुछ ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं जिन्हें कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल में कई तरह के आपके एंजाइम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जो आपका वाइटल एंड एनवलप है उसको कन्वर्ट करते हैं, केमिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि कोई दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज ना कर सके, टू प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी, इट इज़ अ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो इसमें होता क्या है, जब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के कंटेंट बाहर आते हैं तो इसमें कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो मॉडिफाई कर देते हैं वाइटल एंड एनवलप को। मॉडिफाई करने का मतलब है कि वाइटल एंड एनवलप को बदल देते हैं ताकि उस पर कोई दूसरा स्पर्म बाइंड ना कर सके, और जब वो उसे बदल देते हैं तो इसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन एनवलप का बनना। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजेशन एनवलप। तो कब बनता है ये, जब कंटेंट ऑफ द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बाइंड टू द वाइटल एनवलप। इसके ऊपर डिटेल में पढ़ाया है मैंने क्लास में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज इस इमेज में आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग की स्ट्रक्चर बनी है, दिस इज 1, 2, 3,
एंड फोर। वन में आप देखिए ये जो एग है सराउंडेड है बाय थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, हजारों स्पर्म से सराउंडेड है। अब इन हजारों स्पर्म में कोई एक ऐसा स्पर्म होगा जो एक्चुअली में पहुंच रहा होगा अंदर तक। तो सपोज करिए जो येलो एरो है, येलो एरो ये बताती है कि यहाँ पे किसी स्पर्म ने एंट्री ली है। तो जैसे स्पर्म ने एंट्री ली होगी यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ओपन हो चुके होंगे, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसे ही ओपन हुए होंगे वो बाइंड करने लग गए होंगे वाइटलाइन एनवलप पे और उसको केमिकली मॉडिफाई करने लग गए होंगे। और केमिकली मॉडिफाई जब वो हो रही होगी तो दूसरे स्पर्म बाइंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो एज अ रिजल्ट यू कैन सी एक चेंज आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे करके ये पूरा नैरो डाउन हो रहा है और यहाँ पे टोटली इनविजिबल हो गया फोर्थ में। तो दिस इज द फर्टिलाइजेशन एनवेलप फॉर्मेशन, फाइन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्लास में मैंने डिटेल में समझाया है काफ़ी चीज़ें, आप चाहें तो देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओके। सो यहाँ पे पूर्णिमा गुप्ता जी ने बताया ऑप्शन नंबर थ्री, एक आंसर आया थ्री का। ओके, मुस्कान जी ने बताया वन एंड प्रिया सिंह ने बताया थ्री। ओके चलिए सवाल डिस्कस करते हैं दोस्तों। सवाल कहता है एक रिसर्चर ने क्या करा, एक रिसर्चर ने कंटेनर लिया, कंटेनर अ काइंड ऑफ वेसल, काइंड ऑफ वेसल कंटेनर, और इसमें इसने डाल दिया एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर, और वाटर के अंदर डाल दिया एक कंपाउंड जिसका नाम है ए टू थ्री वन एट सेवन, ए टू थ्री वन एट सेवन। ये एक्चुअली में कैल्शियम का आयोनोफोर है, कैल्शियम आयोनोफोर, आयोनोफोर, आयोनोफोर क्या होते हैं, आयोनोफोर का मतलब होता है कि ये ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जो किसी एक खास अनायन को या खास कटायन को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये कैल्शियम का आयोनोफोर है तो ये क्या करवा सकता है, ये कैल्शियम को फ्रीली पास करवा सकता है फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम जहाँ भी होगा वहाँ से ये इजीली उसे पास करवा देगा, एक तरह का चैनल है ये, ठीक है, आयोनोफोर। तो मैंने अंदर डाल दिया ये कैल्शियम का आयोनोफोर, ये डाल दिया। इसके अलावा अंदर रख दिया एक एग, सी अर्चिन का एग, सी अर्चिन का जो एग रखा मैंने वो है अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग है ये, फर्टिलाइज नहीं है ये। तो होगा क्या, देखिए आपने अगर पढ़ा होगा कि एग के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एग में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है कैल्शियम का रिजर्वायर होता है, कैल्शियम रिजर्वायर। तो जब नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है उस दौरान क्या होता है, कैल्शियम आयन बाहर निकल आते हैं ईआर से। जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है उस दौरान कैल्शियम आयन बाहर आ जाते हैं ईआर से और वो कॉर्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवाते हैं। तो कॉर्टिकल रिएक्शन को इनिशिएट करवाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम आयन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयनोफोर क्या होगा, कैल्शियम को रिलीज करवा देगा बाहर, जिससे क्या होगा कॉर्टिकल रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगी, ठीक है, जो नॉर्मली क्या होती है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा कॉर्टिकल रिएक्शन विल इनिशिएट, ठीक है जी। तो ये एक्सपेरिमेंट है, गिलबर्ट में मेंशन है ये, तो वहीं से है ये, ताकि आपका एग्जाम में स्पेसिफिक क्वेश्चन आए। आई होप इट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, एक आंसर आया है थ्री बता रहे हैं पूर्णिमा जी, पूर्णिमा गुप्ता कहते हैं थ्री ऑप्शन है, कैल्शियम बाइंडिंग फोटोप्रोटीन। कनीज फातिमा का आंसर है थ्री, बिस्वा यूसुफ थ्री, मुस्कान अरोड़ा थ्री, सॉरी। ओके फाइन, तो अब तक सभी का आंसर है थ्री थ्री थ्री। चलिए जी इसको भी देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एक्वोरिन, एक्वोरिन, यह एक्वोरिन एक तरह का फोटोप्रोटीन है, एक तरह का फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल है जो किसी कटायन से बाइंड करता है। तो ये कौन से कटायन से बाइंड करता है, ये बाइंड करता है कैल्शियम से, ठीक है, कैल्शियम का है ये। तो आपने नाम सुना होगा एक्वा विक्टोरिया, ठीक है, एक्वोरिया विक्टोरिया। तो एक्वोरिया विक्टोरिया क्या है, जेलीफिश है, और इस जेलीफिश से आइसोलेट किया गया है एक्वोरिन, एक्वोरिन। तो एक्वोरिन एक्वोरिया से आया है, कैल्शियम का आयनोफोर है, ठीक है। और एक और आइसोलेट किया गया है जीएफपी, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, ठीक है, ये फ्लोरिस करता है, फ्लोरिसेंट प्रोटीन है, रिपोर्टर जीन की तरह यूज होता है। और एक और है जिसका नाम है फ्यूरा, फ्यूरा टू, फ्यूरा टू जो है ये कैल्शियम का आयन फोटोप्रोटीन है। तो कैल्शियम के फोटोप्रोटीन है आपका फ्यूरा टू एंड एक्वोरिन, इन दोनों का यूज किया गया है, गिलबर्ट के अंदर भी मेंशनड है, इनका यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द कैल्शियम, कैल्शियम की डिटेक्शन के लिए। क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होती है उस दौरान क्या होता है, कैल्शियम की वेव जनरेट होती है, एग के अंदर क्या होता है कैल्शियम की वेव बनती है। तो उस वेव को डिटेक्ट करने के लिए हम अंदर डाल देते हैं एक्वोरिन या फ्यूरा टू। तो यह रीडिली बाइंड कर जाता है कैल्शियम से, और जैसे ही बाइंड करता है फ्लोरिसेंस नजर आती है, तो हमें पता चल जाता है के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। और यह भी पता चल जाता है कि कैल्शियम की जो मूवमेंट है वो किस प्रकार की है, क्योंकि अगर मैं बात करूं सी अर्चिन की और अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, दोनों केस में जो कैल्शियम बाहर आता है वो अलग तरह से आता है, ठीक है, उसका पैटर्न अलग होता है। ओके, सो यहां पे छोटा सा गैप है, यहां पे बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप CSIR क्रैक करना चाहते हैं हमारे साथ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, लेट मी रिमाइंड यू, आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, लाइव क्लास में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, पॉल्स पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सेकेंड होगा लाइव टेस्ट लाइव क्विज़, तो यहाँ पर क्विज़ होता है ताकि आप अपनी तैयारी को देख पाएँ कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, सवाल कर पा रहा हूँ कि नहीं। थर्ड थिंग है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब जो CSIR का ऑफिशियल सिलेबस है, एग्जैक्टली कंपैटिबल सिलेबस यहाँ पे मिलेगा आपको बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द अनअकैडमी। फोर्थ थिंग यहाँ पे आपको मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस,
इसका मतलब हो गया कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं आज तो पुरानी ऑल द क्लासेस यू विल गेट, और जो आने वाला है उसमें तो आपको मिलेगा ही। ये जैसे कि आपको पता ही होगा, ये मंथली वो है पैकेजेस जो जो होते हैं मंथली, तो इस पर से जो आपको सूटेबल लगता हो अपने लिए आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा 10% डिस्काउंट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसके लिए रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं। एम सलमान लाइव रेफरल कोड है मेरा, इसका आप यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन डू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो यहाँ पे ऑप्शन आया डी। पूर्णिमा गुप्ता का कहना है डी आंसर है, मुस्कान अरोड़ा जी का मानना है डी आंसर है। ओके सॉरी, तो अभी तक दो ही आंसर आए हैं मेरे पास। चलिए फिर डिस्कस करते हैं इसको। देखिए सवाल आपका काफ़ी वैसे आसान है, ठीक है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरेक्शन, इनमें आपको सही इंटरेक्शन बतानी है बिटवीन द स्पर्म एंड द डी जेलीड एग इन द सी अर्चिन। तो सी अर्चिन की अगर बात करूँ मैं, तो सी अर्चिन के एग के सबसे बाहर के साइड मिलता है एग जेली, तो सबसे बाहर मिलेगी एग जेली। फिर उसके अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ मिलेगा वाइटेलाइन एनवलप। तो अगर मैं एग जेली को रिमूव कर दूँ तो ये आपका वाइटेलाइन एनवलप आ जाएगा, और इसे बोलेंगे डी जेलीड एग, डी जेलीड विदाउट जेली। अब इस पे एक रिसेप्टर होते हैं जिन्हें कहते हैं EBR1 रिसेप्टर, EBR, ठीक है, बाइंडिंग रिसेप्टर्स। क्योंकि जो स्पर्म होता है उसकी प्रोसेस पर कुछ प्रोटीन लगे रहते हैं जिन्हें कहते हैं बाइंडिन, तो ये बाइंडिन प्रोटीन जो है बाइंड करते हैं इस रिसेप्टर पे। और इन दोनों की जो बाइंडिंग होती है एग की और बाइंडिन की स्पर्म पे, ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। स्पीशीज स्पेसिफिक मतलब सेम स्पीशीज का स्पर्म ही सेम स्पीशीज को एग को बाइंड करेगा, अलग को नहीं कर सकता वो। इवन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में भी बाइंडिंग नहीं होगी, सेम स्पीशीज में ही होगी। तो इसके आधार पे आपको कुछ मैट्रिक्स दिया गया है यहाँ पे 2x2 का,
ठीक है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे, 2x2, और आपको एक तरफ दिया गया है बाइंडिन, दूसरी तरफ दिया गया है डी जेलीड एग, और इसके साथ साथ दो स्पीशीज दे दी गई हैं सी अर्चिन की, एक दी गई है एस परप्यूरेटस, दूसरी दी गई है एस फ्रांसिस कैनस, दोनों तरफ। तो अब आपको बताना है सही एग्लूटिनेशन कहाँ होगी। एग्लूटिनेशन का मतलब है बाइंडिंग, तो जैसे मैंने बताया सेम स्पीशीज में ही होगी। जैसे नंबर वन की बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ लिखा हुआ है एस परप्यूरेटस, एस परप्यूरेटस एग्लूटिनेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बाइंडिंग होगी। अगले पे देखें तो यहाँ पे लिखा है एस फ्रांसिस कैनस एंड एस परप्यूरेटस, अलग स्पीशीज है, और यहाँ लिखा हुआ है एग्लूटिनेशन, ये गलत है, अलग स्पीशीज में बाइंडिंग नहीं होगी, सेम में ही होगी। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड में देखें, यहाँ पे लिखा है नो एग्लूटिनेशन, जबकि यहाँ पे होगी, गलत हो गया। बाकी अगर आए तो अगर इस पर नज़र डालें हम, एस परप्यूरेटस और फ्रांसिस कैनस, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्लूटिनेशन, तो ये गलत है, यहाँ पे नो एग्लूटिनेशन होगी। इसी तरह अगर बात करें फोर्थ की, तो यहाँ देखो ये है आपका एस परप्यूरेटस, एस परप्यूरेटस एग्लूटिनेशन होगा, सही बात है। फ्रांसिस कैनस परप्यूरेटस नहीं होगा, ये भी सही है। फ्रांसिस कैनस, फ्रांसिस कैनस बाइंडिंग होगी, करेक्ट है, और परप्यूरेटस और फ्रांसिस कैनस बाइंडिंग नहीं होगी, ये भी ठीक है। तो सही आंसर है फोर, ऑप्शन डी। तो यू कैन सी हियर, ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है गिलबर्ट के अंदर, जाके आपको समझ में आ सके, अच्छे समझ पाएंगे आप यहाँ पे। आप तो देख सकते हैं, आप यहाँ पे बाइंडिन दिया गया है, दिस इज द बाइंडिन और दिस इज द डी जेलीड एग, तो मैट्रिक्स बन रहा है आपका। तो मैंने जैसे बताया सेम स्पीशीज में ही होगी, तो आप देखिए एस परप्यूरेटस है यहाँ पे, एस परप्यूरेटस का बाइंडिन प्रोटीन है और एस परप्यूरेटस का ही एग है, तो यहाँ पे बाइंडिंग होगी, एग्लूटिनेशन विल हैपन। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में देखिए, एस फ्रांसिस कैनस का प्रोटीन है बाइंडिन, बट परप्यूरेटस का एग है, बाइंडिंग नहीं होने जा रही है, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, तो नो बाइंडिंग। इसी तरह से नीचे आ जाइए ग्रीन कलर, तो फ्रांसिस कैनस का बाइंडिन प्रोटीन और फ्रांसिस कैनस का एग, एग्लूटिनेशन होगी, बाइंडिंग होगी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में परप्यूरेटस है दोनों, तो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगी। आई होप इट इज़ फाइन टू एवरीवन, आपको समझ में आया होगा ये, मैंने बहुत रिलैक्स वे में समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ओके, यहाँ पे आंसर देख रहा हूँ मैं, दो मुस्कान जी ने बताया दो आंसर,
पूर्णिमा गुप्ता जी का कहना है दो है आंसर, तो दो ऑप्शन आए, ऑप्शन सेकंड आया अभी तक। एनी अदर? ओके, सोमा शेख का मानना है ऑप्शन सेकंड है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी तक तीन स्टूडेंट्स ने बताया है ऑप्शन सेकंड सही है। लेट अस सी, सवाल कहता है कि तीन तरह की प्रजातियां हैं सी अर्चिन की, ए बी और सी, तीन स्पीशीज हैं। तीनों का एग, तीनों का स्पर्म लिया है, तीनों का स्पर्म लिया है ए बी सी, और तीनों का क्या लिया है एग ए बी सी। अब ये पूछ रहा है कौन किससे फर्टिलाइज करेगा, तो बहुत आसान है, मैंने बताया था सेम स्पीशीज का ही करेगा, ए का ए को ही करेगा, बी का बी को ही करेगा, सी का सी को ही करेगा। इवन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विल नॉट फर्टिलाइज, तो ए बी को नहीं करेगा, बी ए को नहीं करेगा, बी सी को नहीं करेगा, सी बी को नहीं करेगा, सी ए को नहीं करेगा, ए सी को नहीं करेगा, सेम सेम करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन में नजर डालें, ऑप्शन नंबर वन देखिए क्या कह रहा है, स्पर्म ए स्पीशीज का फर्टिलाइज करेगा बी को, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री, स्पर्म बी का फर्टिलाइज करेगा सी को, गलत। फोर्थ, स्पर्म सी फर्टिलाइज करेगा बी को, ये भी गलत। और फाइव, स्पर्म बी और सी फर्टिलाइज करेंगे बी को, ये भी गलत हो गया। सेकंड क्या कहता है, स्पर्म बी फर्टिलाइज करेगा बी को बट नहीं फर्टिलाइज करेगा ए और सी को, ये बिल्कुल करेक्ट बात कह रहा है। तो इसका एक रिजल्ट दिया गया है गिलबर्ट के अंदर, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो इसके अंदर गिलबर्ट साहब ने क्या बताया है, गिलबर्ट साहब ने ये बताया कि इन्होंने तीन स्पीशीज ली हैं सी अर्चिन की, एक ली है लिग्जुला, एक ली है लुकुंटर और एक ली है वेरीगेटस। तो गिलबर्ट साहब ने तीन स्पीशीज ली है, लिग्जुला, लुकुंटर, वेरीगेटस। तीनों स्पीशीज का लिया है सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड। सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड एग जेली पर होता है, सपोज करो एग जेली ली है तीनों की और तीनों के स्पर्म लिए हैं, और फिर एक एक करके फर्टिलाइजेशन करवा के देखिए। तो रिजल्ट ये आया है कि लिग्जुला का स्पर्म लिग्जुला के एग को ही फर्टिलाइज कर रहा है। तो यू कैन सी द बार ऑरेंज वन, ऑरेंज वन का कितना इंक्रीज हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ऑरेंज वन का बार एकदम हाइट पे पहुंच रहा है, बाकी नहीं जा रहे। सिमिलरली लुकुंटर के केस में लुकुंटर का ही गया है ग्रीन वन, बाकी के नहीं गए। एंड इन द सेम वे इन द केस ऑफ वेरीगेटस, सिर्फ और सिर्फ वेरीगेटस का ही ऊपर तक पहुंच पाया है। तो ये क्या बताता है, ये रिजल्ट ये बताता है कि सी अर्चिन के केस में सिर्फ सेम स्पीशीज के स्पर्म और एग में ही फर्टिलाइजेशन होती है, इवन द क्लोजली रिलेटेड विल नॉट फर्टिलाइज, क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है तीनों के तीनों, लिग्जुला, लुकुंटर, वेरीगेटस, है तो सी अर्चिन ही, क्लोजली रिलेटेड है, फिर भी नहीं हो रही, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब सी अर्चिन समुद्र वगैरह में होता है, ओशन में, तो वहाँ पे पूरे समुद्र में तो हजारों स्पर्म हो सकते हैं, हजारों एग हो सकते हैं, तो किसी तरह की क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए ये तरीका इवॉल्व किया गया है इस ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ताकि एकदम स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन हो पाए। दिसंबर एंड जून का एग्ज़ाम एक साथ होगा। पूर्णिमा जी, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए एक साथ, मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखा नहीं कभी।
हाँ दोनों अटेम्प्ट आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबको अटेम्प्ट दे सकते हो आप। तो आप ये मान के चलो कि अब जो एग्ज़ाम होगा वही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, चाहे वो आपका जून वाला हो दिसंबर वाला हो, वही आपका है जिसमें आपको एकदम फोड़ देना है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम मैं कहूँ कल है तो आप फिर भी तैयार हो। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कल एग्ज़ाम बोलूँ तो आप तैयार हो जाओ कि हाँ मैं दे सकती हूँ एग्ज़ाम कल भी। तो हमेशा इस तरह से प्रिपेयर रहो, हमेशा लगे रहो, फिर आपको कभी डर लगेगा ही नहीं एग्ज़ाम का। जब भी आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सीएसआर की तैयारी कर रहे हो तो सीएसआर की तैयारी करते वक्त सब कुछ भूल जाओ, बस अपने एग्ज़ाम को देखो। एग्ज़ाम आपके दिमाग में एग्ज़ाम के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा दिन रात बस आपके दिमाग में तैयारी तैयारी तैयारी, स्टडी स्टडी, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, यही होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा ना, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, आपका ब्रेन एक ही जगह फोकस कर पाएगा और उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कुछ महीनों की बात है बस, ये मैं सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करते हैं तो 6 महीने की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो 6 महीने के लिए दुनियादारी सब भूल जाओ, बस लगे रहो अपनी किताबों में बस। क्योंकि 6 महीने की बात है, एक बार 6 महीने आप मेहनत कर लोगे उसके बाद जो मर्जी चाहे करो जब आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ओके पूर्णिमा जी बताएं, 4 आंसर, प्रिया 4, मुस्कान 4, तो फोर्थ बताया जा रहा है, फाइन। चलिए जी देखते हैं आंसर क्या है। फाइंड आउट द मिसमैच, मिसमैच बताना है आपको। देखिए बाइंडिन और ईबीआर ये मैं बता चुका हूँ, स्पर्म में बाइंडिन होता है, बाइंडिन जो ईबीआर रिसेप्टर जो होते हैं वाइटल एंड एनवलप पे, इनसे बाइंडिंग शो करता है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, ये मिसमैच नहीं है। रीसेक्ट और स्पर्म, तो रीसेक्ट एक केमिकल होता है जो एग के द्वारा सिक्रीट होता है और जो स्पर्म के अंदर डायरेक्शन लेकर आता है, स्पर्म पे बाइंड करता है स्पर्म की मेम्ब्रेन पे और डायरेक्शन आती है जिससे स्पर्म आपका मूव करता है टुवर्ड द एग। तो ये होते हैं स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड, रीसेक्ट, ये भी सही है। थर्ड एक्रोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी सही है। एक्रोसोम ओपन होता है जब आपका आई एम सॉरी स्पर्म के अंदर, जो एक्रोसोम होता है जब वो ओपन होता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आते हैं, ये भी सही है। एग जेली बाइंडिन, तो एग जेली और बाइंडिन का कोई रोल नहीं है इतना, एग जेली बाइंडिन अलग है, बाइंडिन आपका वाइटलाइन एनवलप पर है, एग जेली आपका एग जेली पर है। तो बाइंडिन आपका बाइंड करता है वाइटलाइन एनवलप से, ठीक है, और एग जेली डिफरेंट थिंग हो जाती है। तो ये मिसमैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत हो गया। अच्छा, ओके, हाँ मैं समझ सकता हूँ पूर्णिमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नर्वसनेस सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं होती। जो पढ़ के ज़्यादातर उन्हें होती है जो जिनकी तैयारी अच्छी होती है बहुत, जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, जिन्होंने बिल्कुल दिल से पढ़ाई करी होती है, वो भी बहुत नर्वस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार पता नहीं जो मैंने पढ़ा है वो मेरे को सब एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, मैं कहीं भूल ना जाऊँ, ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। अगर आपको कोई टॉपिक आता है ना, सपोज करिए आप सी अर्चिन की डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से आती है सपोज करिए, तो वो आती जो है आपको, उसका आपको विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर, अपने ऊपर एकदम विश्वास रखिए कि हाँ मुझे आता है, एग्ज़ाम में भी मैं गलत नहीं करूँगी। तो वो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा ना, तो आप एग्ज़ाम में भी सही करके आओगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तैयारी में, ठीक है। अगर क्योंकि अगर आप विश्वास खो दोगे तो फिर डर के मारे आप अपना ट्रस्ट खो दोगे, आपको लगेगा कि यार ये ऑप्शन शायद गलत होगा जबकि वो आपको आता होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए और तैयारी करते रहिए, श्योर रहिए कि हाँ मुझे आता है मैं सही करूँगी, फिर आपका वो सही होगा।
ओके चलिए, कोई आंसर नहीं आया, हम बताते हैं इसका आंसर, फिर हम चलते हैं अगले सेशन में मिलेंगे आपसे। सवाल कहता है, एक आया है मुस्कान जी बता रहे हैं, थ्री सेंट्रल एसिटल होमो एसिटल। ओके चलिए, सवाल कहता है द सी अर्चिन का एग किस प्रकार का होता है? सी अर्चिन का, तो जो सी अर्चिन का एग होता है वो होता है माइक्रोलेसिथल। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो मतलब बहुत कम, लेसिथल मतलब होता है यॉक। तो इसमें जो यॉक जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द यॉक, तो यॉक बहुत कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये यॉक है। और होता है होमोलेसिथल। होमोलेसिथल का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है यॉक का। यॉक इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये आपका है माइक्रोलेसिथल और होमोलेसिथल। इसका एग्जाम्पल है सैम, सी अर्चिन, एम्फियोक्सस और मैमल्स। सैम, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसोलेसिथल होमोलेसिथल एग कौन से होते हैं। आइसोलेसिथल होमोलेसिथल वो होते हैं जिसमें यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, पूरे एग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है यॉक, उसे बोलते हैं होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल। इसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सस, सी अर्चिन, मैमल्स, एकाइनोडर्मेटा, यानी सी अर्चिन एकाइनोडर्मेटा में आता है, प्रोटोकॉर्डेटा। देन माइक्रोलेसिथल एग क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत कम, तो यहाँ पे यॉक जो है बहुत कम होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, तो बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। एग्जाम्पल है सैम, सी अर्चिन, एम्फियोक्सस, मैमल एंड ट्यूनिकेट्स। फाइन, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स फ्रॉम माई साइड। इसका मैं और नेक्स्ट सेशन में जल्दी लाऊंगा, तो आप में से जो लोग देख रहे हैं सेशन को, आप कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं मुझे कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपका नेक्स्ट पार्ट इसका चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। फिर मिलूंगा मैं आपसे किसी दूसरे सेशन में। वेरी गुड आफ्टरनून, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।